हेलो फूडीज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं कांदा पोहा, जो कि खाने में तो टेस्टी है ही पर बनाने में उससे भी आसान है। तो पहले हमें ले लेना है एक बड़ा सा बोल एंड हम उसमें डालेंगे 2 कप के करीब पोहा। मैंने यहाँ पतला वाला पोहा लिया है, आप मोटा वाला पोहा भी ले सकते हैं। और अब हम डालेंगे उसमें पानी और इसे अच्छे से धो लेंगे। तो क्योंकि मैंने पतला वाला पोहा लिया है तो इसे एक ही बार धोने से ये सॉफ्ट हो गया है। अगर आप मोटा वाला पोहा लेंगे तो इसे आपको 3 से 4 बार अच्छे से धोना पड़ेगा, या तो आपको इसे थोड़ी देर के लिए भिगो के रखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ही बार में धोने से कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और अब हम ले लेंगे एक पैन, और पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब तेल। तेल के गर्म होते ही हम डालेंगे उसमें 1/2 कप मूंगफली और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये हल्का ब्राउन और क्रंची ना हो जाए। तो इसे फ्राई होने में करीबन 2 मिनट लगेंगे लो फ्लेम पर। तो अब हम इसे निकाल के साइड में रख देंगे एक कटोरे में, और सेम पैन में हम डालेंगे 1/2 चम्मच तेल, और तेल में डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच राई। आप राई की जगह सरसों भी यूज़ कर सकते हैं। और अब डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई और कुछ कड़ी पत्ते, और इसे हम करीबन 1 मिनट के लिए भूनेंगे। और अब हम डालेंगे उसमें 1 कांदा यानी कि प्याज, और इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक हम भूनेंगे जब तक ये हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तब हम उसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो करीबन 1 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। और अब हम डालेंगे इसमें पोहे जिसे हमने धोकर रखा था, और इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से मिल चुके हैं। करीबन हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे, और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, या फिर आप नमक अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें फ्राई की हुई मूंगफली, और इसे भी हम पोहे में अच्छे से मिला लेंगे। और देखिए पोहे कितने खिले खिले बने हैं। और अब हमें इसमें डालना है 2 से 3 चम्मच के करीब नींबू का रस और कटा हुआ धनिया, और इसे भी हम पोहे में अच्छे से मिला लेंगे। करीबन 1 से 2 मिनट तक हम इसे और पकाएंगे, और हमारे पोहे हो गए हैं बिल्कुल रेडी। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए कितने खिले खिले पोहे बने हैं, कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, इसे आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।